વીસનગર વિધાનસભા સીટ પર કોંગ્રેસ પાર્ટીના ઉમેદવાર કિરીટભાઈ પટેલના સમર્થનમાં કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા સિદ્ધાર્થભાઈ પટેલની ઉપસ્થિતિમાં જંગી સભા યોજાઈ હતી। સભામાં મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસ પાર્ટીના હોદ્દેદારો અને સમર્થકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સિદ્ધાર્થભાઈ પટેલે સંબોધન કરતા બીજેપી અને મોદી સરકારની ખામીઓ વિરુદ્ધ પ્રહારો કર્યા હતા। कोरोना काल में उद्भवेली विपरीत स्थिति, रेमडेसिविर इंजेक्शन काळा बजार सतत वधती जती मोंघवारी, बेरोजगारी, पेपर फूटवानी वारे घड़े बनती घटनाओं वगैरह जेवा मुद्दाओं पर बीजेपी सरकार ने आड़े हाथ लीधी हती। धनजीभाई पाटीदारे पोताना आगवा अंदाज में मोदी सरकार गुजरात में मैं बनाव्यू छे। रिपीट, धनजीभाई पाटीदारे पोताना आगवा अंदाज में मोदी सरकार गुजरात मैं बनाव्यू छे एना स्लोगन पर मोदी सरकार की झाटकणी काढ़ी हती। कांग्रेस पार्टी ना उम्मीदवार किरीटभाई पटेले पण ऋषिकेश भाई पर एमनी ज पार्टी ना कसुभाई पटेले लगावेला आरोपों नु वर्णन कर्यु हतु। सभा दरमियान पूर्व कोर्पोरेटर अजमलजी ठाकुर, पीके पटेल वालम, सुनिल भाई पटेल वालम, अमृतलाल कांग्रेस नो खेस पहेरी विधिवत रीते कांग्रेस पार्टी में जोड़ाया था। सभा में उपस्थित होद्देदारों सिद्धार्थभाई पटेल, पूर्व प्रमुख गुजरात प्रदेश कांग्रेस विजय सिंह ठाकुर, वीसनगर तालुका कांग्रेस प्रमुख, शहर कांग्रेस प्रमुख तेमज अन्य सहित व्यक्तिओ, महानुभावो, तालुका ने शहर कांग्रेस होद्देदारों तेमज वीसनगर विधानसभा ना कांग्रेस समर्थकों मोटी संख्या में उपस्थित रहा था। किरीटभाई पटेल ने चूंटनी सभा में किरीटभाई ने मत आपवा माटे नी विनंती करवा माटे हूँ आव्यो हतो। खूब सुंदर सभा थई छे। विस्तार में जे जातनुं वातावरण जोवा मळे छे ए जोता स्पष्टपणे लागे छे के किरीटभाई नो विजय निश्चित छे अने खूब सारी बहुमती थी किरीटभाई विजयी थशे। समग्र गुजरात में फरता फरता एक बात स्पष्ट थाय छे के गुजरातना लोको परिवर्तन झंखी रह्या छे। परिस्थिति दिवसे ने दिवसे काबू बार जती जाय। जिग्नेश पटेल, लाइव गुजरात न्यूज, महेसाणा।